जिसके अंदर आप लोग कौन कौन से बंडल्स देखने को मिलेगा और आप लोग को ये जो स्पेशली गोल्ड रॉयल है आप लोगों को कब देखने को मिलेगा ये भी मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और साथ में मैं आप लोग को अप्रैल मंथ में आपस का फुल रिव्यू कराने वाली हूँ। जो नेक्स्ट में आपस आने वाला है उसका मैं आप लोग को फुल रिव्यू कराने वाली हूँ और कितने डायमंड में मिलेगा ये भी मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और आप लोग को नेक्स्ट लकी रॉयल आने वाला है इसका भी मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में फुल रिव्यू कराने वाली हूँ। और नेक्स्ट स्टॉक ऑफ फिन में कौन से आइटम आने वाला है ये भी मैं आप लोग को आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और मैं आप लोग को बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स के बारे में बताने वाली हूँ, लाइक न्यू रिंग इवेंट और भी बहुत सारा कुछ बताने वाली हूँ। सो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले देखो आज में नया गोल्ड रॉयल बंडल आ चुका है जो फीमेल का आया है और ये आप लोग को 100 स्पिन में गारंटी मिल जाएगा। जो मेरे को 100 स्पिन तो लगा नहीं, 70-80 में निकल गया, बाकी जो फीमेल का बंडल है वो अच्छा खासा है। बाकी देखो इस जो गोल्ड रॉयल है ये तो अपडेट हो गया और ये जो एफएटो की निशोर है इसको तो अभी तक करीना वालों ने अपडेट नहीं किया। और सो फीमेल का बंडल का जो यहाँ पे गोल्ड रॉयल में यहाँ पे टाइम है वो 84 डे है, मतलब क्या हो भी 44 अपडेट के बाद में भी ये जो बंडल है ये यही मतलब गोल्ड रॉयल के अंदर ही रहेगा, मतलब करीना वाले पता नहीं कौन सा नशा कर रहे। पर इसका जो मेल वर्जन है ये गोल्ड रॉयल के अंदर आने वाला था बट फीमेल को डाल दिया। सो ये जो मेल वर्जन है ये आप लोगों को एफएटो के एक्सचेंज करने को मिल सकेगा या फिर नेक्स्ट वाले जो गोल्ड रॉयल आएगा वो भी 44 अपडेट के बाद उसके अंदर यही देखने को मिलेगा। सो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब चलो इसमें आप लोगों को दिखाते हूँ नेक्स्ट जो लकी रॉयल आने वाला है जिसके अंदर आप लोगों को जो यहाँ पे पैराफल के इनके स्किन से ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसका आप लोग यहाँ पे स्किन देख सकते हो जो इनक्यूबेटर के अंदर आया था। और पैराफल के जो इनके स्किन से ये आप लोग को यहाँ पे 1000 डायमंड में एक तो निकल ही जाएगी। और बाकी आप लोग जो टॉप वाला है सबसे पहला वाला यहाँ पे आप लोग देख सकते हो जिसमें आप लोग को डेमेज ट्रिपल प्लस मिल रहा है, आर्मी पेट्रिस्टल प्लस मिल रहा है और मैगजीन माइनस मिल रहा है। और जो वाली इनकी स्किन है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और इसके एटीफ्यूज वगैरह भी अच्छा है क्योंकि डबल डेमेज मिल रहा है और क्या ही चाहिए। और देखने में भी अच्छी ही लग रही है गन की स्किन। और फिर आप लोग को यहाँ पे दूसरा मिल जा रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला जो आप लोग को ब्लू कलर में देखने को मिल रहा है पर येलो भी है बीच बीच में। ये वाली गन की स्किन भी मेरे को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसमें आप लोग को रेंज डबल प्लस मिल रहा है, रेट ऑफ फायर प्लस मिल रहा है और रिलोड स्पीड आप लोग को माइनस मिल रहा है। और जो गन की स्किन देख सकते हो अच्छी खासी लग रही है मस्ती। और फिर आप लोग को यहाँ पे थर्ड में जो यहाँ पे रेड और येलो कलर में देखने को मिल जा रहा है जो अच्छी खासी लग रही है थर्ड वाली पे। और इसमें आप लोग को एक रेसिडेबल प्लस मिल रहा है, रेट ऑफ फायर प्लस मिल रहा है और जो मैगजीन है वो माइनस मिल रहे और इनकी स्किन अच्छा खासा लग रहा है। बाकी जो फर्स्ट वाली है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मुझे तो। और फिर आप लोग को यहाँ पर लास्ट में ग्रीन और येलो कलर में सॉरी ऑरेंज कलर में देखने को मिल रही है तो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। और ये वाले जो पैराफल की इनके स्किन है ये चार में से शायद मेरे पास एक ही मैं तो भूल ही गई। बाकी इसमें आप लोग को आर्मी प्रिस्टेशन जो है डबल प्लस मिल रहा है, रेंज प्लस मिल रहा है और एक रेसिव माइनस मिल रहा है। बाकी चारों इनकी स्किन अच्छी है बस यहाँ पे जो फर्स्ट वाली है उसमें डैमेज डबल प्लस है तो उसका एटीट्यूड बहुत ही अच्छा है। और बाकी आप लोग को ये सब लकी रॉयल है ये आप लोग को 9 मार्च को इंडिया और फिटी सर्वर के अंदर देखने को मिल जाएगा, मतलब आप लोग को इंडिया सर्वर के अंदर 100% कन्फर्म आप लोग को 9 मार्च 9 मार्च को देखने को मिल जाएगा ये लकी रॉयल। और इसके नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले लकी रॉयल में आप लोग को जो टाइटेनिक स्कार है ये भी आप लोग को देखने को मिल सकती है लकी रॉयल के अंदर, क्योंकि पता है ये जो टाइटेनिक स्कार है ये OB44 अपडेट के बाद में जितने सर्वर है सारा में रिटर्न में आ चुका है। बस यहाँ पे जो सिंगापुर है और फिटी और इंडिया को छोड़ के सारे सर्वर में रिटर्न में आ चुके हैं। सो इंडिया सर्वर के लिए ये अभी पेंडिंग हुए हैं तो आप लोग को जो नेक्स्ट का नेक्स्ट जो लकी रॉयल देखने को मिलेगा उसके अंदर आप लोग को पॉसिबल है कि जो यहाँ पे टाइटेनिक स्कार है ये आप लोग को देखने को मिल सकता है। और फिर इसी को आज रात के 4 बजे के बाद में आप लोग को एक नया रिंग इवेंट देखने को मिलेगा जिसके अंदर आप लोग को जो ये बियर का बंडल है ये आप लोग को देखने को मिलेगा, जिसका आप लोग यहाँ पे रिव्यू देख सकते हो। सो बियर का बंडल है बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है और इसका जो टॉप पे और जो यहाँ पे टॉप नहीं है शर्ट पैंट और यहाँ पे मार्क्स और जो यहाँ पे हेयर मिल जा रहा है सो ये भी अच्छा है। और इसके साथ में आप लोग को रिंग इवेंट के अंदर जो स्काई थी की स्किन है देखने को मिल सकती है और जो आप लोग को यहाँ पे बुल का बंडल है ये आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सो ये जो रिंग इवेंट है इसके अंदर आप लोग को 2 बंडल देखने को मिलेगा और ये दोनों ही बंडल आप लोग को कल मतलब आप लोग को आज रात के 4 बजे के बाद में ये जो रिंग इवेंट है ये आप लोग को इंडिया सर्वर के अंदर में देखने को मिल जाएगी। और इसके जो नेक्स्ट वाले जो रिंग इवेंट आप लोग को देखने को मिलेगा उसके अंदर आप लोग को जो यहाँ पे गोल्डन मून का जो बंडल है जो समुराई वाला बंडल है इसका रिंग इवेंट आप लोग को नेक्स्ट वाले रिंग इवेंट में देखने को मिल सकती है। सो आप लोग बंडल से समुराई वाले गोल्डन समुराई के वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। जो बंडल है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है और इस रिंग इवेंट में आप लोग को जो यहाँ पे गोल्डन मून है गोल्डन समुराई का
सा बंडल है ये, इसमें आप लोग को चार बंडल देखने को मिल रहा है, तीन तो यहाँ पे मेल का है और एक जो है फीमेल का है। सो यहाँ पे सो ये रिंग इवेंट है, आप लोग को पॉसिबल है कि नेक्स्ट के नेक्स्ट रिंग इवेंट में आप लोग को ये सारे बंडल्स रिटर्न में देखने को मिल सके। और दूसरा सो आप लोग को बंडल देखने को मिल सकता है रिटर्न में, वो है डेंसो टीम का सो बंडल है। ये फिर इंडियन स्टोरी के लिए पॉसिबल है कि आप लोग को पॉसिबल नहीं, ये फिर अभी पेंडिंग में पड़ा है कि आप लोग को नेक्स्ट वाले सो रिंग इवेंट है इसके अंदर में आप लोग का सो डेंसो टीम के सो बंडल्स है, ये फिर आप लोग को देखने को मिल सकते हैं रिटर्न में। और आप लोग को नेक्स्ट के नेक्स्ट रिंग इवेंट में सो गोल्डन सेट का सो न्यू बंडल है, ये भी आप लोग को देखने को मिल सकता है, जिसका रिंग इवेंट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ओल्ड वाले आप लोग को देखने को मिल सकते हैं रिटर्न में, और सो एक आप लोग को जो न्यू देखने को मिलेगा उसका ही अकेले आप लोग को जो रिंग इवेंट है ये भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। सो ये सो आप लोग को नेक्स्ट के नेक्स्ट जो बंडल्स आ सकते हैं रिंग इवेंट के अंदर वो मैंने आप लोग को बता दिया, डेंसो टीम का आ जाएगा या फिर न्यू गोल्डन सेट बंडल आ जाएगा या फिर आप लोग को देखने को मिल जाएगा गोल्डन मून का सो बंडल है, ये सारे सो बंडल्स है ये आप लोग को देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वाले रिंग इवेंट में रिटर्न में। और फिर देखो आप लोग को नेक्स्ट जो लकी वाला देखने को मिलेगा वो आप लोग को रामनानी स्पेशली देखने को मिलेगा, और उसके अंदर आप लोग का जो एमिटेशन के सो वन के सेल से आप लोग को रिटर्न में देखने को मिल सकती है, और ओल्ड वाले सो रामनान टीम के सो बंडल से वो आप लोग को रिटर्न में देखने को मिल सकते हैं, जिससे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। और सो पोर्टफोलियो एनिमेशन इमोट आया था अगले साल सो मैजिकल नेम वाला, और फिर इमोट आए थे रामनान टीम के, वो आप लोग को देखने को मिल सकता है लकी वाला के अंदर और लकी वाला की स्क्रीन में देखने को मिल सकती है। सो आप लोग को रामनान इवेंट स्पेशली आप लोग को एक जब नया लकी रॉयल है ये आप लोग को देखने को मिल सकता है नेक्स्ट लकी रॉयल के अंदर, जैसे कंफर्मेशन आएगी क्या क्या आने वाले हैं तो मैं आप लोग को बता दूंगी। और नेक्स्ट जो टोकोफेन आप लोग को देखने को मिलेगा वो आप लोग को 11 मार्च को देखने को मिलेगा, और उसके अंदर आप लोग को जो रामदानी स्पेशली जो इस सकाफ की स्किन है, मतलब आप लोग को जो रामदान इवेंट के थीम में ही आप लोग को टोकोफेन देखने को मिलेगा, तो रामदान इवेंट का ही कोई आइटम जो आप लोग को टोकोफेन के अंदर देखने को मिलेगा 11 मार्च को। अभी कंफर्म नहीं है कि कौन सा बंडल नहीं कौन सा आइटम आप लोग को देखने को मिलेगा, बट आप लोग को रामदान के थीम में ही जो आइटम है वो आप लोग को 11 मार्च को नए टोकोफेन में देखने को मिलेगा। और इसलिए वही समय में आप लोग को अप्रैल मंथ के वापस का फुल रिव्यू कराती हूँ क्या क्या आप लोग को देखने को मिलेगा। सो अप्रैल मंथ के वापस के अंदर सबसे पहले आप लोग को सो यहाँ पे फीमेल का बंडल देख रहा हूँ ये आप लोग को मिलेगा। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो फीमेल का बंडल है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इसका जो टॉप है और हेयर है, और इसके साथ में आप लोग को मार्क्स भी मिल सा रहा है। और फिर आप लोग को नेक्स्ट रिवॉर्ड मिल रहा है जो G18 के यानी कि स्किन है ये आप लोग को मिल रही है 30 दिन के लिए। और फिर आप लोग को यहाँ पे मिल सा रहा है जो बैकपैक की स्किन है ये आप लोग को 10 लेवल पर मिल सा रही है, वो भी फ्री में आप लोग को मिल जाएगा अगर वापस प्रोसेस नहीं करोगे तो फिर आप लोग को मिल जाएगा। और फिर आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा 20 लेवल में फ्री का होता है, और साथ में ये वाली गाड़ी की स्किन मिलेगी अगर आप लोग वापस प्रोसेस करते हो तो मिलेगा। और फिर आप लोग को यहाँ पे बाउंटी वगैरह गोल्ड वगैरह मिल जाएगी, और 30 लेवल पर आप लोग को ये वाली जो स्काई फूट की स्किन नहीं आप लोगों को इस पे आपस से मिलेगी जो अच्छी खासी स्काईवुड की स्किन लग रही है, इफेक्ट भी बहुत ही मस्त लग रहा है। और फिर आप लोगों को 40 लेवल पर जो क्रेंट की स्किन है ये आप लोगों को मिलेगी अगर भी आपस परचेस करते हो तो मिलेगा, और यहाँ पे आप लोग क्रेंट की स्किन देख सकते हो क्या ही मस्त लग रहा है। और फिर आप लोग यहाँ पे कचरे का रिवॉर्ड भी मिलेंगे, और आप लोग को यहाँ पे 50 लेवल पर जो ये G18 की गन की स्किन है आप लोग को परमानेंट मिल जाएगी वापस के अंदर से, जिसके एटीट्यूड आप लोग देख सकते हो एक रिसी डबल प्लस है, मोबाइल डिस्प्ले प्लस है और रेलर स्पीड माइनस है, और गन की स्किन अच्छी खासी है मस्ती लग रही है गन की स्किन वैसे तो, और आप लोग को इस वापस से बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा। और फिर आप लोग को 7 लेवल पर जो बैट की स्किन है आप लोग को मिलेगी, सो आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो अच्छा खासा बैट का स्किन है जो आप लोग वापस परचेस करोगे तो ही आप लोग को मिलेगा। और फिर आप लोग को जो फेस मास्क है ये आप लोग को बिल्कुल ही फ्री में मिल जाएगा अगर भी आप इस प्रोसेस नहीं करोगे तो भी आप लोग को मिल जाएगा, जो आप लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हो इस फेस मास्क के साथ में अच्छा अच्छा। और फिर आप लोग यहाँ पे बैकपैक मिल जाएगा वापस का जो आप लोग को 70 लेवल पर मिलेगा वापस परचेस करने पर, और बैकपैक देख सकते हो बिच्छू वाला जो बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है बैकपैक, और 1 लेवल 2 लेवल में क्या ही लग रहा है, 3 लेवल में बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा है। और फिर आप लोग यहाँ पे 80 लेवल पर जो लूटबॉक्स की स्किन है ये आप लोग को मिल जाएगी, और जो लूटबॉक्स की स्किन है वो भी देख सकते हो अच्छी खासी। फिर आप लोग बच्चे के रिवॉर्ड वगैरह ये आपको मिल जाएगा, और 90 लेवल पर आप लोग को 90 लेवल पर जो गुलवाल की स्किन है ये आप लोग को मिलेगी, और गुलवाल की स्किन देख सकते हो इफेक्ट एनिमेशन कुछ नहीं है, बाकी जो डिज़ाइन है वो बहुत ही ज़्यादा मस्त है गुलवाल की स्किन का। और फिर आप लोग को यहाँ पे 100 लेवल पर जो मेल का पंडल है अप्रैल मंथ के पर्पज़ का वो आप लोग को मिलेगा, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो मेल का पंडल है इसका जो पैंट है सेट है, और इसके साथ में जो आप लोग को मार्क्स मिल रहा है जो इसके जूते सारा कुछ अच्छा लग रहा है, पूरा बंडल अच्छा है। सो आप लोग को अप्रैल मंथ वापस के अंदर यही सारे आइटम्स देखने को मिलेगा और बंडल देखने को मिलेगा, जिसका मैंने आप लोग को फुल रिव्यू करा दिया क्या क्या देखने को मिलेगा। अब मैं आप लोग को बता देती हूँ ये सब अप्रैल मंथ का वापस से आप लोगों को कितने डायमंड में मिलेगा, तो देखो अभी आप लोग मार्च मंथ का वापस अगर परचेस करोगे तो आप लोग को 100 लेवल पर यहाँ पे सो हर यहाँ पे आप लोग को मिल रहा है
20% का डिस्काउंट कार्ड आप लोग को मिलेगा अगर आप लोग अभी वन सेवन का जो पेपर्स है उसको परचेस करते हो तो। और आप लोग को इस वहाँ पे अपटेनमेंट का पेपर्स है उसके अंदर आप लोग यहाँ पे 20% डिस्काउंट कार्ड आप लोग का आ जाएगा। तो आप लोग का जो अपटेनमेंट का पेपर्स है वो आप लोग को 319 डायमंड में मिलेगा। सो अगर आप लोग को यहाँ पे जो पेपर्स है वो 400 डायमंड में नहीं लेना है अप्रैल मंथ का, तो आप लोग इस मंथ का पेपर्स ले लो, तभी आप लोग को 20% का जो डिस्काउंट कार्ड है वो आप लोग को मिलेगा और आप लोग का जो अप्रैल मंथ का पेपर्स है वो आप लोग को 319 डायमंड में ही मिल जाएगा। और फिर इसी का जो गोल्ड रेस रॉयल है ना, ये एक साल हो चुका है इसको आए, ये फिर अप्रैल मंथ में ही आया था। और अभी आप लोग को पता है अप्रैल का मंथ आने वाला है जिसमें आप लोग को होली का इवेंट देखने को मिलेगा। सो होली या फिर आप लोग का समर इवेंट स्पेशली जो स्पेशल गोल्ड रॉयल है वो एक साल के बाद आप लोग को फिर से देखने को मिलेगा रिटर्न। तो आप लोग को अप्रैल मई तक जो स्पेशल गोल्ड रॉयल है ये आप लोग को देखने को मिल सकेगा। और इसके अंदर आप लोग को जैसे गोल्ड रॉयल में आप लोग को दो इमोट और दो बंडल देखने को मिला था, वो आप लोग को कोई भी बंडल देखने को मिल सकता है, कोई भी इमोट आप लोग को देखने को मिल सकता है और कुछ भी आइटम देखने को मिल सकता है। अभी ये सब कुछ भी कंफर्म नहीं है, बट आप लोग को मई की लास्ट वीक तक मतलब आप लोग को अप्रैल या फिर मई में आप लोग को जो स्पेशल गोल्ड रॉयल है ये आप लोग को जरूर से देखने को मिल जाएगी। और आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत ही ज़्यादा मजा आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाय बाय।